हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा सचिवालय की तरफ से आ चुकी साल 2023 के लिए बम्पर भर्तियों के बारे में, जहाँ पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग विधानसभा सचिवालय के अंदर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए 2023 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं सचिवालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहीं से आपको चार अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जहां पे चार अलग अलग पोस्टों के अंदर अलग अलग भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आपको बेसिक डिटेल दे दें, यहाँ पे आपको DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की, LDC यानी कि लोअर डिविजन क्लर्क की, असिस्टेंट की, रिपोर्टर की, प्यून की, ड्राइवर की, माली की पोस्टें आपको इन वैकेंसीज के अंदर देखने को मिलेंगी। वेतन आपका काफी अच्छा है, लगभग यहाँ पे 30,000 रुपए से स्टार्ट होकर आपको 1,67,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। और केवल और केवल अगर आप लोग कक्षा 10वीं पास हैं तो भी आप लोग इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अभी कभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली सरकारी नौकरी की जानकारी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। चलिए चारों नोटिफिकेशन को नंबर वाइज ओपन करते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं पहला नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। विधानसभा परिषद सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग संवर्गों में कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी दरवान, कार्यालय परिचारी फरास, कार्यालय परिचारी सफाईकर्मी और माली के पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। आप सभी लोग 25 जुलाई 2023 से लेकर आने वाली 21 अगस्त 2023 तक रात के 12 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। पहला नोटिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। यहां से अगर आप लोग नीचे आते हैं तो सेम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर देखें, क्रमांक मिलेगा, पोस्ट नेम, वेतन और यहाँ पर सभी कैटेगरी मिल जाती हैं, जैसे जर्नल हो गया, SC ST हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, सभी कैंडिडेट हैं यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ रिजर्व सीटें भी हैं PWD कैंडिडेट्स की। देखिए, यहाँ पे आपको कार्यालय परिचारी की, दरवान की, फराज की, सफाईकर्मी और माली की पोस्टें मिल रही हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे आपको ग्रुप डी की भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। वेतन देख लीजिए, 18,000 रुपये से लेकर 56,900 का है और सभी पोस्टों के लिए मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास यहाँ पर रखा गया है। साइकिल चलाने की क्षमता भी आपके पास में होनी चाहिए, वो चाहे फराज की पोस्ट हो, दरवान की, सफाईकर्मी की, माली की, सभी में 10वीं पास हैं। हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और माली के कार्यों में से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता बस इसी के लिए अनुभव चाहिए और बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अनुभव नहीं चाहिए। वेतन सेम है, 18,000 से 56,900 रुपये का। इसके अलावा इन पदों पर आवेदन करने वालों का केवल और केवल चयन एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं होगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। 18 से लेकर 40 से 42 साल तक के कैंडिडेट यहां पे आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पे आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है। परीक्षा की पद्धति में देखें, इन पदों पर सीधी भर्ती की रीति अलग से साक्षात्कार के माध्यम से होगी। साक्षात्कार मीन्स होता है इंटरव्यू, यानी कि इन पदों पर आवेदन करेंगे तो केवल और केवल इंटरव्यू देना होगा। चले दूसरे नोटिफिकेशन को भी ओपन करते हैं। देखें, इसी भर्ती का दूसरा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। सेम यहां पे सचिवालय के अंदर ही आपको नौकरी देखने को मिलेगी। सुरक्षा प्रहरी एवं चालक यानी कि सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के पदों के लिए नोटिफिकेशन है। आवेदन करने की डेट यहां पे सेम है, 25 जुलाई से लेकर 21 अगस्त की। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड और चालक यानी कि ड्राइवर की पोस्टें हैं और यहाँ पर आपको एजुकेशन के बारे में भी बता देते हैं। नीचे आएंगे, देख सकते हैं सुरक्षा पहरी के लिए वेतन आपको 21,700 से 69,100 रुपए का मिलेगा और इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास होने चाहिए। साथ में आप थोड़ा सा फिजिकल के बारे में देखिएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, फिजिकल काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे तो चालक की पोस्ट के लिए वेतन भी आपको 19,900 से 63,200। इसके लिए दो चीजें, पहला तो 10वीं पास और दूसरा आपके पास यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इन पदों पर जब आपका चयन होगा उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात
बात करते हैं, उम्र सेम रहेगी 18 से 42 साल की और 10वीं पास और 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे परीक्षा की पद्धति सुरक्षा पहरी और ड्राइवर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा ली जाएगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी चेकआउट किया जाएगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा भी होगी, इंटरव्यू भी होगा और इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो फिजिकल है वो भी होनी है। ये दूसरा नोटिफिकेशन है, इसको भी डाउनलोड करके ज़रूर चेकआउट करिएगा। चलिए अब इसी भर्ती का हम तीसरा नोटिफिकेशन भी ओपन करते हैं। तो दोस्तों तीसरा नोटिफिकेशन भी ओपन हो चुका है, अभी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। आपको यहां पे देखने को मिल रहा है तीसरा नोटिफिकेशन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार विधानसभा परिषद की तरफ से, सचिवालय की तरफ से सहायक अवधायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर ये भर्तियाँ हैं और इसकी डेट को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 25 जुलाई से लेकर यहाँ पर आप लोग 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए सहायक यानी असिस्टेंट और असिस्टेंट अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्टें यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। यहां पे देखिए आपको वेतन अलग अलग मिलेगा और क्वालिफिकेशन भी अलग अलग देखने को मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। जो सहायक की पोस्ट है यहां पर 44,900 का वेतन है, 1,42,400 तक जाएगा। यहां पर स्नातक यानी ग्रेजुएशन चाहिए होगा। इसके बाद यहां पर जो दूसरी पोस्ट है सहायक अवधायक की, यहाँ पे 25,500 से 84,100 रुपये का वेतन है और यहाँ पे भी स्नातक चाहिए होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें DEO की, तो यहाँ पे 25,500 से 84,100 रुपये और किसी भी संस्थान से इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे चाहिए होगा। इसके बाद आखिरी जो निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्टें हैं 19,900 से 63,200 का वेतन, इसके लिए भी इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अलग से कंप्यूटर की योग्यता भी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। उम्र इसकी भी 18 से 42 साल ही रहेगी, इसकी कम से कम उम्र जो है तो 21 से दी गई है जो सहायक और सहायक अवधायक है। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पुरानी एज ही रहेगी 18 से 42 साल की। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा की पद्धति के अंदर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर आधारित जाँच होगी, इसके बाद यहाँ पे आपकी मुख्य परीक्षा भी होनी है। यानी तीन तरह के स्टेप पे आपका चयन होगा। मेधा सूची यानी कि आखिरी में सभी भर्तियों में मेरिट तैयार की जाएगी। अभी चौथी नोटिफिकेशन बाकी है, चलिए चौथे नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके ओपन करते हैं। तो हमारा आखिरी और चौथा नोटिफिकेशन भी ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये भी आपको विधान परिषद सचिवालय की तरफ से प्रतिवेदक के पदों पर भर्तियां मिलेंगी। 25 जुलाई से 21 अगस्त तक आवेदन करेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग यहां पे देख सकते हैं 16 और 6। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए जो प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर की पोस्टें, उसके लिए आपको 53,100 रुपये से 1,67,800 का वेतन मिलेगा। विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि होनी चाहिए और बाकी यहां पे कंप्यूटर योग्यता के बारे में देख सकते हैं। चयन कैसे होगा उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए 21 से लेकर यहाँ पे 42 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे भी आपका चयन तीन ही स्टेप पे होगा। पहला होगा यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होगा कंप्यूटर आधारित और तीसरा होगा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ये तीनों चारों नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करें सचिवालय की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2023 के बारे में, जिसका कंप्लीट और चारों नोटिफिकेशन आपको मैंने डाउनलोड करके ओपन करके इस वीडियो में दिखा दिया है। इंटरव्यू के आधार पर कुछ पदों के लिए चयन है, कुछ पदों के लिए एग्जाम के बेसिस पे चयन है। 21 अगस्त आवेदन करने की आखिरी डेट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजन क्लर्क, ड्राइवर असिस्टेंट, पियोन ग्रुप डी, माली और साथ ही साथ रिपोर्टर के साथ आपको सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टें भी देखने को मिलेंगी। ऑन एवरेज वेतन आपको 44,000 स्टार्टिंग का मिलेगा। 18 से 42 साल का कोई भी कैंडिडेट ऑल इंडिया लेवल पर यहां पे आवेदन कर सकता है। मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास सरकारी नौकरी का फायदा यहां पे आपको मिलेगा। आइए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं जहां से आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं विधानसभा वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉरम है 2023 के लिए, यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं। sarkarijobtv.com पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 172 पोस्टें आपको मिलेंगी जहाँ पर आपको रिपोर्टर, प्रतिवेदक, सहायक असिस्टेंट, सहायक अवधायक यानी असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC के साथ सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, प्यून,
सफाई कर्मी माली, फारस और दरवान जैसी पोस्टें मिलेंगी। 25 जुलाई से 21 अगस्त तक सभी पोस्टों के लिए आवेदन होंगे। 18 से लेकर 42 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस अलग अलग पोस्टों की, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग लगेगी। विधानसभा सचिवालय की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पर जॉब नोटिफिकेशन आउट किया गया। 18,000 कम से कम शुरुआती वेतन है ग्रुप डी की, और रिपोर्टर की पोस्ट के लिए 1,67,800 रुपये तक का वेतन आपको देखने को मिलेगा। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास, 12वीं पास, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट स्नातक वाले कैंडिडेट किसी भी पोस्ट वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं चयन के बारे में। एग्जाम, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होगा। अप्लाई का लिंक यहाँ है और चारों नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ है। आप लोग सभी नोटिफिकेशन के सामने जो लिंक है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।